नमस्कार जीएसटीवी साथे हूँ छु देवांग अने नूतन वर्ष निमित्ते जीएसटीवी ना तमाम दर्शक मित्रों ने नूतन वर्ष अभिनंदन। दर्शक मित्रों, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कबलम खाते भाजप संगठन ना आगेवानों साथे बैठक करी। भाजप प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल सहित मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल उपस्थित रहा। सांजे 5 वाग्या बाद कबलम खाते आ बैठक योजाई हती। हाल कबलम थी सीधा अमित शाह संबोधन करी रहा छे, सांभळीए। प्रेजेंटेशन किया, इसके अंदर निदान में राज्यों की स्थिति क्या है, और मैं देश के गृहमंत्री नाते बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि संतोष नहीं। मेरे पास केस के भी आंकड़े हैं और आपने जो डेटा शेयर किया है इसके भी आंकड़े हैं, 22% डेटा ही शेयर किया। अगर ये स्थिति है इतनी चलती तो मुझे लगता है कि हमारे अभियान की गुणवत्ता जितनी होनी चाहिए इससे पोर्टल है। हम सवाल के अंदर सभी राज्यों के सभी आंकड़े निदान पोर्टल पर उपलब्ध हो जाए, इसके लिए आगे बढ़ाना चाहिए। K9 राष्ट्रीय K9 पूल की स्थापना की है। अभी K9 की टीम मुंबई और अहमदाबाद में है। राजस्थान और मध्य प्रदेश भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ बात करकर, गोवा भी विशेष रूप से बात करकर इसको आगे बढ़ाना चाहिए। इसको मजबूत करकर पार्सल और कुरियर सेवाओं के लिए भी हम उपयोग में ले जा सकते। ड्रग कानून प्रवर्तन प्रशिक्षकों का एक समान अभ्यासक्रम बनाने का काम NCB ने एक कोर मॉड्यूल और 5 प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाए। मुझे लगता है सारे ऑनलाइन मॉड्यूल को सभी राज्यों में अपने नारकोटिक्स कंट्रोल के एजेंसी के लिए उपयोग में लेना चाहिए और समय समय पर ट्रांसफर होते रहते हैं हमारे यहाँ, समय समय पर इसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। तो मुझे विश्वास है इसका फायदा बहुत होगा। पश्चिम क्षेत्र में FSL का उन्नयन करना भी बहुत जरूरी है और उसमें आप नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का जरूर सहयोग ले सकते हैं, भारत सरकार का भी सहयोग मांग सकते हैं। FSL जितनी मजबूत होगी इतने परिणाम अच्छे आएंगे और जो ड्रग के कारोबारी हैं उनको सजा कराने में हमें बहुत मदद मिलेगी। जो हमारी पुलिस आधुनिकरण की योजना है इसमें मेरा आग्रह रहेगा सभी मुख्यमंत्रियों को कि FSL के उन्नयन को सर्वोच्च वरीयता देने का काम हम करें और इससे डायरेक्टरेट ऑफ FSL की भी मदद मिल सकती है और नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की भी आप मदद ले सकते हैं। वो जरूर प्रोएक्टिव रोल लेकर आपको मदद करेंगे। मित्रों, हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए एक नए अप्रोच को NCB ने विगत 2 साल से नीचे आपके सामने रखा है, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच। एक छोटे से इनकी भी पान की दुकान पर ड्रग बांटने वाला कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो हम उसको एक केस के रूप में नहीं दे सकते। वही केस को देश में कहां से वो एंटर हुआ वहां तक इन्वेस्टिगेशन करना हमारा काम, पूरे नेटवर्क को हमने आइडेंटिफाई करना चाहिए। और एक किसी बंदरगाह पर बड़ी ड्रग की खेप पकड़ी जाती है तो व्यक्ति भी अंत तक होता पकड़ा जाता है, इसके नीचे के नेटवर्क को भी अगर हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं तो ये पूरे नेटवर्क को हम कभी तहस नहस नहीं कर सकते। मेरी बात को कोई अन्यथा ना ले, मैंने सिलेक्टेड 100 केसों का अध्ययन खुद करा है एक टीम बनाकर। बहुत सारी जगहों में जो पकड़ा गया इसी को केस माना गया, इसको चार्जशीट कर लिया गया और सजा हो गई इसको उपलब्धि माना गया। ये लड़ाई ऐसी है जब तक नेटवर्क को ध्वस्त नहीं करते हैं हमें सफलता नहीं मिलती, और नेटवर्क को ध्वस्त तभी कर सकते हैं कि हमारा इन्वेस्टिगेशन टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। और ये सभी पुलिस अधिकारी जो आज की कॉन्फ्रेंस में उपलब्ध है वो सबको मैं आग्रह करना चाहूंगा कि टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप इन्वेस्टिगेशन को कम से कम हम ड्रग के खिलाफ की लड़ाई के अंदर एडॉप्ट करें और नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए हम पूरी इन्वेस्टिगेशन को करें।
एक चार्जशीट अगर समय की मर्यादा है तो डाल देनी चाहिए। देवेंद्र जी ने कहा समय कम है, इस पर भी हम विचार करेंगे, परंतु चार्जशीट डालने के बाद भी हम हमारा इन्वेस्टिगेशन तो चालू रख ही सकते हैं, इसमें कौन रोक सकता है। परंतु इन्वेस्टिगेशन को सीज हुए मटेरियल तक ही सीमित रखते हैं तो हम लड़ाई कभी नहीं जीत सकते। मित्रों, एक ई प्रतिज्ञा पोर्टल भी साल शुरू किया है, लगभग 30 लाख से अधिक लोगों ने इस पर प्रतिज्ञा ली है। ये जागरूकता अभियान का एक हिस्सा है, मुझे लगता है इसको भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए। ड्रग एडिक्ट के उपचार, पुनर्वसन और सामाजिक पुनः एकीकरण, इसका समाज स्वीकार कर ले, इस दिशा में भी सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अगर समाज उसको तिरस्कृत दृष्टि से देखना चालू करता है तो इसके पास मजबूरी से वो फ्रस्ट्रेशन से फिर से ड्रग के रास्ते पर चला जाएगा। तो हमने इस पर भी बहुत मजबूती से के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मैंने दोनों कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो केस ऐसे हो जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय हो, वो केसों को आप जरूर एनसीबी को रिफर करें। इस क्षेत्र से 6 केस एनसीबी को दिए गए हैं, इसकी डिटेल जांच हो रही है। परंतु मेरा आग्रह है कि राज्य पुलिस को ही इसका यह संदेह, आप जरा भी चिंता मत करें। परंतु अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन जब तक नेशनल एजेंसी अपने हाथ में नहीं लेती है, ये नहीं। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि जिस केस के अंदर अंतर राज्य ड्रग के नेटवर्क की और केस आता हो, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग के नेटवर्क की और केस आता हो, वो केस एनआईए को भी दे सकते हैं और एनसीबी को भी दे सकते हैं। और वो देने में हमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। एनसीबी को देश के सभी इलाकों में उपस्थिति बढ़ाने के लिए और राज्यों के अंदर भी जहां सेंसिटिव जगह है वहां तक रीजनल लेवल पर भी एनसीबी को मजबूती से काम करने के लिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में रायपुर और जयपुर में भी एनसीबी अपना जोनल कार्यालय स्थापित करेगी। इसके अलावा अहमदाबाद में एनसीबी के उप महानिदेशक स्तर का एक क्षेत्रीय कार्यालय भी पूरे पश्चिमी क्षेत्र के लिए बना रहे हैं, जिससे इस लड़ाई को हम बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। मित्रों, गैप्स की पहचान इन्वेस्टिगेशन के अंदर जब तक सीनियर अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, नहीं। कई बार ढेर सारे इन्वेस्टिगेशन देखते हुए, इसको मॉनिटर करते करते हम सीनियर जगह पे पहुंचते हैं, एक प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जब ठग का केस हो, इसको छोड़कर हमने गैप्स की पहचान करनी पड़ेगी और गैप्स को फिल करने के लिए